द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है स्टैंडर्ड, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन अभी हम पढ़ रहे हैं वो स्टैंडर्ड वाली है। दो तरीके की मटेरियल लग रही है, एक मटेरियल ए लग रही है, एक मटेरियल बी लग रही है। मटेरियल ए का क्या है रेट? 3 रुपया, और मटेरियल बी का रेट है 4 रुपया। और मटेरियल ए में लग रहा है 24,000 किलो, मटेरियल बी में 12,000 किलो। और मटेरियल ए में टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी है? 72,000, और मटेरियल बी में पड़ रही है 48,000। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ना उसी उस तरीके से हम टेबल को फिल करना सीख लेंगे। आप ये देखो, ये हम बजट वाली यानी स्टैंडर्ड वाली देख रहे हैं ना, तो मटेरियल ए के देखते हैं रेट क्या है, 3, और मटेरियल बी का 4। तो देखो प्राइस यानी रेट इसका 3, इसका 4। फिर यूनिट्स कितनी है, अभी तक हमें यूनिट नहीं पता, जब हमें यूनिट पता चलेगी तो हम इसके स्टैंडर्ड यूनिट्स भी डाल देंगे। फिर टोटल यूनिट्स हमें पता ही नहीं, तो ये वाली कॉलम भी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। टोटल केजीज तो हमें पता है लेकिन टोटल कितने यूनिट है वो नहीं पता, तो ये वाला कॉलम हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मैं बता दूँ, इस वाले कॉलम में हम रेट लिखते हैं, इस वाले कॉलम में हम कितना स्टैंडर्ड यूनिट जो है प्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं वो लिखते हैं, और इस वाले कॉलम में लिखते हैं एक यूनिट के लिए कितना लेबर आर लगा, या एक यूनिट के लिए कितना हमारा मटेरियल लग रहा है, ये वो चीज़ है यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया स्टैंडर्ड। अब वेजिस का देखो, 60,000 घंटा, रेट दे रखा 4 रुपया प्रति घंटा, और 2,40,000 लग रहा है। ठीक है, तो वेजिस लिख लेते हैं। वेजिस का रेट क्या है लीवर का? 4 रुपया प्रति घंटा है, वो कितने आर लग रहे हैं टोटल? 60 आर टोटल लग रहे हैं। तो हमें इस अभी तक हमें यूनिट नहीं पता था, ये वाला कॉलम भी नहीं फिल कर सकते। फिर वैल्यूएबल ओवरहेड देखोगे तो 1 रुपया पर आ, ये 1 लिखा नहीं है एक्चुअली, मतलब प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई थी, ओमिट हो गया था, मिस्टेक नहीं ओमिट हो गया था, 1 रुपया लिखना बोल गया। तो वेरिएबल ओवरहेड का रेट है 1 रुपया, और फिक्स ओवरहेड का रेट क्या है? 2 रुपया, हमने इधर लिख दिया है। फिर आप इधर देखो, टोटल कॉस्ट कह रहे हैं ये लोग एस्टिमेटेड कि हमारी 5,40,000 आएगी, और जो बजटेड प्रॉफिट है वो 60,000 का हम, और 60,000 की हम जो है कमाई कर लेंगे, और सेल्स 6 लाख की होगी, यानी 6 लाख की सेल्स होगी, 5,40,000 का कॉस्ट पड़ेगा, और बजटेड प्रॉफिट हमारा 60 लाख का 60,000 का निकल जाएगा। अब बजटेड प्रोडक्शन यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट्स देख रहे हैं जो कि जितने की प्रोड्यूस करने हो कितने, 12,000। तो यानी अब हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स पता चल गया, तो हम यहाँ पर डाल देंगे सब जगह 12,000। इस फॉर्मूले में भी टोटल यूनिट्स हमें पता चली गए 12,000, है ना, 12,000। तो नीचे सब जगह 12,000 लिख ही दो। टोटल केजीस अगर मटेरियल है तो, और लेबर और वेरिएबल या फिक्स्ड ओवरहेड है, तो आवर्स वर्कड यहाँ पे लिखना है। तो लिख देते हैं, देखो वेजेस में कितने आवर्स वर्क किए हैं, 60,000 घंटे के हिसाब से दिया है ना। देखो हमें ये पता नहीं, अभी नहीं पता है, 60,000 घंटे ही तो है, हाँ 60,000 घंटे टोटल आवर्स वर्क, 60,000 घंटे। अरे यार इस मटेरियल लिख दिया, आपने लेबर को में लिखना था। ठीक है, और ये देखो ये जो आर्स होते हैं ना, ये लेबर वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड में सेम ही होते हैं। ठीक है, इनके लिए कोई अलग से नहीं दिया जाता क्वेश्चन में कि वेरिएबल ओवरहेड के इतने आर्स हैं, फिक्स्ड ओवरहेड के इतने रेट आर्स है। अगर लेबर का दे रखा तो मतलब वही आर आपको वेरिएबल और फिक्स दोनों में अप्लाई करना है। और मीटर में इधर टोटल केजीज आएगा, देखो यहाँ पे भी दे रखा है, सब में सेम दे रखा है ना, वेजिस में वेरिएबल फिक्स जितने भी आर्स होते हैं हमेशा सेम ही होते हैं। और देखो टोटल केजीज इसका कितना है, 24,000 केजी इसका, 12,000 केजी। तो इसमें हम 24,000 केजी और इसमें 12,000 केजी निकाल लेते हैं। इसका आएगा 2, इसका आएगा 1, इसका आएगा 5, क्योंकि 12, 25, 8, ये भी 5, ये भी 5। ठीक है, इस तरीके से हमने जो स्टैंडर्ड वाले जो स्टैंडर्ड वाला जो टेबल था, मतलब जो बजटेड वाला जो टेबल था, हमने वो भर लिया है। ठीक है, अब हमें 2 टेबल और भरना है, उसमें हम एक में एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, एक में स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। ये देखो ये बजट अलग है, स्टैंडर्ड अलग है।
बजट में क्या है कि जितना हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं उस हिसाब से फिगर दे रखी है, लेकिन स्टैंडर्ड में क्या है कि जितना एक्चुअल आपने प्रोड्यूस किया उसके लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये वो स्टैंडर्ड है। आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। एक्चुअल में जो सेल हमने कितने करी है, 9000 यूनिट्स की करी है। तो सबसे पहले सब में फिल कर देते हैं, 9000 यूनिट्स की हमने सेल करी है ना। मटेरियल ए में भी 9000 है, 9000 है ना। ठीक है, हमने डाल दिया था 9000 यूनिट्स। मटेरियल ए कंज्यूम किया है 22275, 22275 किलो, कितने में, 62379। मटेरियल बी कंज्यूम किया 10890 किलो, कितने में, 44649 रुपये में। तो ये वाली फिगर भी डाल देते हैं एक्चुअल में कि देखो है ना, इधर टोटल यूनिट्स हम डाल दें 9000 यूनिट्स। अगर आपने टेबल भरना सीख लिया सही से, उसके बाद ये मान लो 75% तो आपके वेरिएंस सही हो गए, आप मतलब जंग जीत गए एक तरीके से आप, बस अगर आपने उसके बाद कोई कैलकुलेशन एरर नहीं करी। तो मटेरियल ए कंज्यूम किया है 22275 किलो है ना। देखो टोटल केजेस कितने, टोटल केजेस लिखना है इधर, टोटल केजेस और लेबर के लिए आर्स पेड या वर्कड और डिवाइडेड टोटल आयन। तो हमें मटेरियल, तो हमें टोटल केजी चाहिए, तो 22275 था ना, 275 मटेरियल है, और मटेरियल भी कितना कंज्यूम किया, 10890, 10890। लेबर देखो, लेबर में हाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, लेबर में आप यहाँ पे जो लिखोगे ना, ये लिखोगे आर्स पेड, आर्स वर्क नहीं लिखोगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था तो हमने लेबर में क्या लिखा था, आर्स वर्क लिखा था, ठीक है। लेकिन जब आप एक्चुअल में आओगे तो एक्चुअल में लेबर में क्या लिखोगे आप, आर्स पेड, उसके बाद जो वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड है उसमें आर्स वर्क लिखोगे। इसलिए मैंने पेड को पहले लिखा, क्योंकि लेबर हम पहले लिखते हैं, इसलिए पेड पहले, यानी लेबर में पेड आएगा, उसके बाद वेरिएबल और फिक्स में आर्स वर्क आएगा। तो लेबर आर्स पेड कितना है, देखो नीचे देखो उसके, ठीक उसके बाद ही नीचे इन्फॉर्मेशन लिखे कि वेजिस पेड, इतने घंटे के वेजिस पेड हुए, 48000 घंटे के वेजिस पे हुए हैं, और वेजिस की जो है वो टोटल कॉस्ट इतनी पड़ रही है 191,250। यानी जो वेजिस पे हुए हैं वो कितने घंटे के पे हुए हैं, वो 48000 घंटे के पे हुए हैं। तो इधर 48000 लिख दो, ये इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन देखिए, जो फिक्स ओवरहेड है वो कितना है, 12900 का है। तो जो फिक्स ओवरहेड है ना, फिक्स ओवरहेड में हम ये सब नहीं लिखते, इसमें जो सिंपल अमाउंट दे रखी होती है हमेशा वही डाल देते हैं, सिंपल अमाउंट, आपको ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। देखो वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कितने का है, 45000 रुपये का है, लेकिन फिक्स ओवरहेड की तरह वेरिएबल ओवरहेड में सिर्फ हम अमाउंट नहीं लिखते हैं। तो इसको फिलहाल के लिए तो आप इग्नोर कर दो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अभी हमें उतने हमारे लिए यूजफुल है नहीं। अच्छा देखो, लेबर आर वर्कड आ गया, वर्क यानी हमने पे किया उसको 48000 आर्स का, लेकिन उसने एक्चुअल में काम कितना किया, 47700 आर्स ही उसने काम किए हैं, क्योंकि बाकी टाइम भाई खाना पीना लंच वंच ब्रेक में हो गया होगा। तो 47700 आर्स ने वर्क किए हैं, यानी वेरिएबल ओवरहेड में इधर कितना आएगा, कितने लेवर आएंगे, 47700 आर्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी भी टेबल ये देखो पूरा भरा नहीं है, अभी हमें यहाँ पे रेट सबकी डालनी है। तो चलो और देख लेते हैं, और कुछ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है 900 यूनिट का, ठीक है। यानी अभी भी ये 900 यूनिट अभी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। और डिग्री ऑफ कम्प्लीशन, मटेरियल ए और बी 100% कम्प्लीट हो गए हैं इसमें, यानी जो 900 यूनिट है उसमें मटेरियल ए और बी तो 100% लग चुके हैं, लेकिन जो वेजेस और ओवर हेड्स हैं वो भी सिर्फ 50% ही लगे हैं, इसलिए तो कम्प्लीट नहीं है, इसलिए तो वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि वेजेस और ओवर हेड्स अगर ये भी 100% हो जाता तो पूरा कम्प्लीट हो जाता, ठीक है। देखो इसका भी हमारे पास है एक, इसका यूज़ अभी इसको छोड़ दो, ये जो भी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है, अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसी से रिलेटेड अभी और टेबल हमें फिल करना है, पूरा टेबल हमें। तो हमें और क्या चाहिए, अब हमें रेट चाहिए सबके, मटेरियल ए बी सी डी जो भी है उन सबके रेट तो चाहिए ना यहाँ पे।
ठीक है, तो मटेरियल ए टोटल कितना यूज़ हुआ है? 62,370 किलो मटेरियल यूज़ हुआ है, लेकिन और कितना किलो यूज़ किया गया? इतना किलो यूज़ किया गया, यानी एक किलो का रेट क्या हुआ? अगर आप डिवाइड करोगे तो एक किलो का रेट 2.8 आएगा, तो हम यहाँ पे 2.8 लिख देते हैं। उसी तरीके से मटेरियल बी इतना किलो कंज्यूम हुआ है और इतने रुपए एक्चुअल में लगे हैं, यानी एक किलो के कितने रुपए लग रहे हैं? आप डिवाइड करोगे तो 4.1 आएगा। फिर आता है लेबर, लेबर को आपने पे किया है 191,250 48,000 घंटों के लिए, तो यानी एक घंटे का कितना आएगा? कुछ आएगा एक घंटे का, ठीक है। बट ये जो डिवाइड करके हमने लिखा, वो हमने आंसर सीधा डायरेक्टली इसलिए लिख दिया क्योंकि 1, 2, 3, 4 ज़्यादा ख़त्म हो रहा है, मतलब डेसिमल पे ख़त्म हो रहा है। डेसिमल ये नहीं, ऐसा नहीं है कि ख़त्म ही नहीं हो रहे, बट आप जब इन दोनों को डिवाइड करोगे ना, वेजेस पेड ये 191,250 डिवाइड बाई 48,000 करोगे, तो जो डेसिमल कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए आप इन नंबर को फ्रैक्शन में ही लिख दो, वही बेहतर है। तो इन नंबर को हम किस तरीके से लिख दें? 191,250 डिवाइड बाई 48,000 नहीं, इस तरीके से नहीं लिखोगे तो और दिक्कत हो जाएगी, तो इसको और छोटा नंबर करके लिखो। तो हमने ऑलरेडी इस नंबर को छोटा नंबर कर रखा है, तो इसका आंसर आ रहा है 255 by 64। अब हमें वेरिएबल ओवरहेड्स का लिखना है, तो देखो वेरिएबल ओवरहेड्स लगे कितने टोटल? 45,000 लगे हैं, और वेरिएबल ओवर मतलब वेरिएबल जो ओवरहेड है उसमें हमने आवर्स कितने यूज़ किए हैं? इतने आवर यूज़ किए हैं ना, कि एक यूनिट में अगर इतने आवर यूज़ किए हैं तो 9,000 यूनिट में कितने आवर यूज़ किए होंगे टोटल? तो अब ये 9,000 से 9,000 कैंसिल हो जाएगा, तो 477,000 इतने आवर्स हमने यूज़ किए हैं। तो ये जो है ये कितने आवर्स के लिए? ये है 477,000 आवर्स के लिए है ये, इतने वेरिएबल ओवरहेड। तो एक आर के लिए कितना होगा? देखो 477,000 डिवाइड बाय 45,000 डिवाइड बाय 477,000, इसका भी फ्रैक्शन में आ रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा डेसिमल, तो हम इसको शॉर्ट करके लिख देंगे, यानी 45,000 डिवाइड बाय 477,000 को शॉर्ट करके अगर हम लिखें तो हमारा आंसर आएगा 450 by 477। तो अब आप देखोगे तो हमने एक्चुअल वाला पूरा जो टेबल है वो फिल कर लिया है, ये बजट वाला टेबल फिल कर लिया, अब हमें स्टैंडर्ड वाला टेबल फिल करना है। स्टैंडर्ड वाला टेबल फिल करने में बहुत आसानी होती है, मैं आपको बताता हूँ इसमें आसानी कैसे होती है। स्टैंडर्ड वाले में क्या करना होता है, आपने ये जो दो कॉलम है वो आपने यहाँ से उठा लेने हैं, है ना। देखो ये टोटल यूनिट्स और प्राइस वाला आपने यहीं पे उठा कर के लिख देना है एज इट इज। दो एक पाँच पाँच पाँच, तीन चार चार एक दो, और जो यूनिट्स है वो आपने यहाँ से उठाने, लेकिन अगर क्लोजिंग ऐसा कुछ दे रखा है तो आपको एडजस्टमेंट भी करना है इन यूनिट्स के साथ यहाँ पे। तो देखो यूनिट्स कितनी है यहाँ पे, फॉर्मूले में देख लो, यूनिट्स यहाँ वाली उठानी है, यानी एक्चुअल यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो एक्चुअल यूनिट्स कितनी है? 9,000 मटेरियल की, और इसमें प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना करेंगे तो मटेरियल ए बी के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा वो 900 यूनिट्स का 100% रहेगा, यानी 900 रहेगा, इसमें प्लस करेंगे, और ओपनिंग कुछ दे नहीं रखा, यानी 9,900 यूनिट हो जाएगी मटेरियल ए बी के लिए। और लेबर के लिए क्या रहेगा? लेबर के लिए कह रहा है कि जो 900 यूनिट है उसका सिर्फ 50%, यानी 450 यूनिट काउंट करेंगे इसे हम, 450 कंप्लीटेड यूनिट्स काउंट करेंगे, जैसे 900 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस में है। और वेजेस और ओवरहेड सिर्फ 50% लगेंगे, यानी वेजेस और ओवरहेड्स के लिए अगर हम देखा जाए तो 450 कंप्लीटेड यूनिट्स हैं हमारे पास। तो एक्चुअल यूनिट्स 9,000 और प्लस 450 कंप्लीटेड, यानी 9,450 यूनिट्स। यहाँ पे भी आप ऐसे लिखो, ठीक है। अब ये क्या वाला है, जब भी क्या होता है मटेरियल में, एक हम किसी प्रोडक्ट में एक मटेरियल से ज़्यादा हम मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसमें मटेरियल मिक्स की दिक्कत आ जाती है, हमें जांचना पड़ता है कि मटेरियल मिक्स ठीक से यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है।
तो उसके लिए हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगते हैं कि टोटल किलो, यानी दोनों मटेरियल को मिला करके हमने टोटल कितना जो है वो यूज़ किया है। तो आप ये देखो यहाँ पे हम 2275 किलो मटेरियल ए का है, 22275 प्लस 10890, यानी टोटल हमने यूज़ किया है 33165 किलो का। तो लिख दो सिंपल सी बात है यहाँ पे, 33165 इंटू मिक्स रेशियो करके, अभी मिक्स रेशियो हमने लिखा नहीं है, सिर्फ टोटल यूनिट्स कितने हैं इधर, टोटल यूनिट्स अब ये वाले देखो 9900 है ना, उसी तरीके से फिर यहाँ पे भी 33165 जो टोटल है इधर, टोटल यूनिट्स 9900। अब मिक्स रेशियो क्या होगा, देखो मिक्स रेशियो किस रेशियो में ये लोग इन्हें मिक्स करना था, स्टैंडर्ड वाला कौन सा मिक्स रेशियो है, यानी हमें मेटल ए और बी को मिक्स करना था, जो प्रोडक्ट है वो बनाने के लिए मिक्स करना था ए और बी को 2:1। जब आप काटोगे तो क्या होगा, 12 12 12 24, यानी 2:1 रेशियो में करना था। तो यहाँ पे मिक्स रेशियो क्या आएगा, मेटल ए के लिए कितना था, 2:1 था है ना, तो यानी 2/3 इसके लिए और 1/3 इसके लिए, और मिक्स वेरिएबल लेबर वेरिएबल और फिक्स में तो हमें उसकी कोई चिंता नहीं होती ना मिक्स की, हम मिक्स का चिंता सिर्फ मटेरियल में होता है, तो बाकी सब हमने डैश 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 कर दिया। यानी आपने अब ये टेबल भरना सीखा, ठीक है, यानी 75% आप जंग जीत चुके हो। अब मैं बस आपको ये सिखाऊंगा कि इस टेबल का किस तरीके से यूज़ करते हैं वेरियंस निकालने में।